हेलो फ्रेंड्स, आज का जो अपना टॉपिक है वो है विमा का डायमेंशन का। एयरफोर्स नेवी के एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को अपन बड़े ही ट्रिक के साथ सॉल्व करने वाले हैं। कम से कम मिनिमम जो समय है उसके अंदर अपन इसको सॉल्व करेंगे। 10 सेकंड के अंदर अपन कैसी भी विमा हो, कैसी भी डायमेंशन हो, अपन उसको 10 सेकंड के अंदर क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ऐसी ट्रिक अपन जानेंगे, ट्रिक नहीं है वैसे, वो मेथड ही है, लेकिन अपन कैसी भी विमा हो आपके सामने आप उसको 10 सेकंड में सोल्व कर सकते हो। और एयरफोर्स नेवी के एग्जाम के अंदर ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, यहां से एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है, कभी कभार दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं कि विमा है जो डायमेंशन है वो है क्या। तो सबसे पहले आपको समझनी होगी कि जो मूलभूत जो भौतिक राशि है, मूलभूत भौतिक जो राशियां हैं, राशियों पर लगाई गई जो बातें हैं उसे अपन क्या कह रहे हैं, विमा कह रहे हैं। मूलभूत भौतिक राशियों पर जो आपकी फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी जो पावर है, उस पावर को क्या बोला गया, डायमेंशन बोला गया, विमा बोला गया। ठीक है, अब आपको क्या समझना है, देखो कम से कम आप समय में अपन इसको सीखते हैं फटाफट, ओनली 10 सेकंड में सोल्व करना है। देखो मेथड समझो, विमा को लिखने का तरीका जो होता है वो क्या होता है, बड़ा पोस्टर अपन लेते हैं, सब लोग जानते हो, और यहाँ लिखा गया MLT। क्या लिखा गया है, MLT, और बाहर में यहाँ ले रहा हूँ A और साथ में ले रहा हूँ K। आप ये चीज को समझो, यहाँ जो M है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, द्रव्यमान को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, द्रव्यमान को। ये L किसको कर रहा है, L यहाँ कर रहा है लंबाई को, लेंथ को। ठीक है, और T जो यहाँ क्या है आपका, समय है। क्या भाई, समय है। और A आपका यहाँ क्या है, एम्पियर। क्या भाई, एम्पियर करंट। आपका क्या है भाई, विद्युत धारा। A यहाँ किसको प्रदर्शित कर रहा है, धारा को कर रहा है। अच्छा, K किसको कर रहा है, के कर रहा है ताप को। सिंपली आपको समझ रहा, अपन बात कर रहे हैं विमा के टॉपिक की, मूलभूत भौतिक राशि को लगाई गई जो बातें हैं वो विमा लगती है। अब मूलभूत भौतिक राशि कौन सी है, तो आप सब लोग जानते हैं, अभी चर्चा करने की कोई दिक्कत नहीं है, अभी चर्चा करेंगे मूलभूत भौतिक राशि कौन सी है। ठीक है, MLT AK, मतलब यहाँ M द्रव्यमान है, L यहाँ लंबाई, T यहाँ समय है, A यहाँ धारा है, विद्युत धारा है, K यहाँ क्या है, ताप है, टेम्परेचर है, मास है, लेंथ है, टाइम है, करंट है, और क्या है, टेम्परेचर है। ठीक है, अब एक चीज समझो, ये बात आपको समझ आ रही, कोई दिक्कत नहीं, एक छोटी सी बात मैं यहाँ करूंगा नोट है, आपको ये चीज समझ रही है, जो आपकी लंबाई है क्या है भाई, लंबाई। आगामी से फर्स्ट वर्ल्ड लेक्चर के अंदर मैंने सारी बातें बताई है, आपको देख लेना, लंबाई है, या मैं कह सकता हूँ दूरी है, या मैं कह सकता हूँ विस्थापन है। क्या है भाई, विस्थापन है। ठीक है, और अपन बात कर सकते हैं किसकी, जैसे मान लो चौड़ाई है, क्या है भाई, जैसे चौड़ाई है। ठीक है, जैसे मैं कह सकता हूँ क्या है, जैसे ऊंचाई है, ये सब किस में काउंट हो रही है, सब किस में काउंट होगी, लंबाई के अंदर ही काउंट होगी, सारी सारी किस में काउंट होगी, सारी लंबाई के अंदर होगी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ समझना। अब मूल राशि कौन कौन सी होती है, जैसे अपन बात कर सकते हैं द्रव्यमान है, क्या भाई, द्रव्यमान। जैसे मैं कह सकता हूँ क्या भाई, समय है। ठीक है, जैसे मैं कह सकता हूँ भाई क्या अपने पास में, लंबाई है। क्या है भाई, लंबाई है। जैसे मैं कह सकता हूँ क्या अपने पास में, ताप है। जैसे मैं कह सकता हूँ क्या भाई, विद्युत धारा है। क्या है भाई, विद्युत धारा है। जैसे पदार्थ की मात्रा है, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, जैसे अपन कह सकते हैं क्या भाई, ज्योति तीव्रता है। ठीक है, ये अपने पास सात क्या होती है, मूल राशियाँ होती है। अच्छा, इन सब की विमा अगर हमें लिखनी है, इन सब की अगर विमा हमें लिखनी है तो कैसे लिखते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने क्या कहा था, ये जो यहाँ बड़ा कोष्ठ जो आपको दिया गया है, ठीक है, ये क्या होता है, विमा लिखने का तरीका है। अच्छा, मूलभूत भौतिक राशि, ये सारी क्या आपके सामने मूलभूत भौतिक राशि है। इसके अलावा जो बचेगी वो कौन सी आपके सामने, इसके अलावा जो बचेगी वो सारी सारी कौन सी, व्युत्पन्न भौतिक राशि है। मतलब आपकी कौन सी ड्रॉइड फिजिकल क्वांटिटी, ये कौन सी है, फंडामेंटल है। ठीक है, अब यहाँ क्या समझना है आपको, किसी भी, ये क्या सब क्या है, भौतिक राशि है, आपको किसी भी भौतिक राशि की विमा लिखनी है, किसी भौतिक राशि क्या लिखनी है, विमा लिखनी है, तो उसे हमेशा क्या करना है, इस मूल के अंदर तोड़ना है। पहले एक चीज समझो, इससे पहले छोटी सी बात समझो, अगर इन सब की विमा की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या लिखूंगा, यहाँ बड़ा कोष्ट आएगा, ये श्याम, देखो ये द्रव्यमान है, कितना अपने पास, एक है, मैं यहाँ लिखूंगा MLT। अच्छा, M है क्या, बिल्कुल एक है, तो है तो यहाँ घात कितनी आ जाएगी, एक आ जाएगी। धीरे धीरे अपन आगे बढ़ते हैं, सब समझ में आएगा। अच्छा, लंबाई है क्या, नहीं है, समय है क्या, नहीं है, तो जीरो। तो शॉर्टकट में इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये मेथड हो गया अपन लिखने का तरीका, इसको शॉर्टकट लिख लो, एम की पावर 1 आ गया। हालांकि L0 है, T0 है, AB0 है, KB0, सिंपल इसको मैंने M1 कर दिया। अच्छा, समय की पूछूं तो लिखने का तरीका क्या होगा, M0 L0 और T कितना, 1, किसकी विमा है, समय की विमा, ऐसे लिखी जाएगी। ठीक है, सिंपली अगर आप इसको लिखना चाहिए तो अपन क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा, लंबाई देखिए तो क्या लिखेंगे, M0 आ जाएगा, L1 T0, किसकी विमा आ गई आपके सामने, डायमेंशन किसी आ गई, लंबाई की आ गई। अच्छा, टेम्परेचर की बात करता हूँ, क्या लिखेंगे,
एम जीरो एल जीरो टी जीरो और बात टेम्परेचर को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे के को ये रहा के किससे कर रहे हैं ताप को तो के कितना जगह वन ऐसे विद्युत धारा लिखी क्या लिखेंगे एम जीरो एल जीरो टी जीरो और बाहर कितना एक की पावर कितना जाएगा वन आ जाएगा मतलब ये जो भौतिक राशियां हैं ये कौन सी मूलभूत भौतिक राशियां है इन सब की बीमा अपन ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा पदार्थ की मात्रा किस लिखते हैं इसमें आ जाएगा एम ओ एल मोल मतलब बाहर क्या ऐड कर देंगे मोल कर देंगे जो इतने होता क्या है केडी मतलब शिवडी ठीक है ना केंडला ठीक है ऐसे ये क्या अपने सामने मूलभूत भौतिक राशियों की बीमा है। अब समझो आगे अब आएगा असली खेल जो है वो मजा अब समझो कंपटीशन जो बढ़ रहे हैं कि कंपटीशन में आपको कैसे बीमा सॉल्व करनी है उसकी ओर अपन आगे क्या कर रहे हैं बढ़ रहे हैं। छोटा सा फॉर्मूला सिंपली फॉर्मूला लिया मैंने चाल का कि भाई चाल बराबर अपन लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन समय स्पीड इक्वल क्या होता है डिस्टेंस अपॉन समय चाल दूरी बटे समय ठीक है। अच्छा मैंने क्या बोला था जी क्या है युत्पन्न भौतिक राशि है युत्पन्न भौतिक राशि की अगर बीमा लिखने सबसे पहले क्या करना है ये जो दे रखा है यहाँ इसका फॉर्मूला इसको किस में तोड़ना है मूल के अंदर तोड़ना है। क्या दूरी मूल राशि है बिल्कुल है क्योंकि लंबाई में काउंट हो रही है दूरी किस में लंबाई मूल है या नहीं है समय किस में हो रहा है समय किस में है मूल में मतलब सिंपल अपन क्या लिखते हैं लंबाई किस में लंबाई समय किस में टी से रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा इस टी को ऊपर ले जाओ तो क्या लिखें एल तो है एक और टी कितना है माइनस फाइव नीचे से ऊपर जाएगा कितना आएगा माइनस वन सिंपली इसकी बीमा लिखना चाहिए पूरा तो अपन लिखे एम जीरो L1 और T-1 किसकी बीमा आ गई है चाल की बीमा आ गई कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो आगे देखो मैं लिखता हूँ त्वरण की सिंपल सिंपल समझाता है भी अभी कोई ट्रिक नहीं है कोई ये मेथड मेथड वो आगे आएगा लेकिन उसको शॉर्टकट में कैसे करना उसकी बात करेंगे। त्वरण त्वरण बराबर क्या होता है वेग बटा समय क्या होता है वेग बटा समय तो वेग का क्या लिखेंगे देखो अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ तो मैं लिख सकता हूँ वेग इक्वल क्या लिखेंगे विस्थापन बटे समय क्या वेग की जो डायमेंशन बीमा क्या चाल के समान आएगी नहीं है ऊपर विस्थापन की दूरी तो है लंबाई है ठीक है तो इसको क्या लंबाई में इसको समय में तो लंबाई समय मतलब वही बीमा आएगी सेम से किसकी इस वेग की। अच्छा अब यहाँ समझो ये त्वरण की बीमा मुझे लिखनी है तो ये है वेग। अच्छा वेग को क्या करूँ मैं वेग को लिखूंगा मैं विस्थापन बटे समय क्योंकि मैं वेग को लिख सकता हूँ वेग क्या है युत्पन्न राशि और हमें काउंट किसमें करना है चल रहा है चेक कर लेते हैं चल रहा है हमें किस में काउंट करना है इसको इसको करना काउंट किस में मूल के अंदर कन्वर्ट करना है ठीक है इसको मूल में कन्वर्ट करते हैं नीचे समय पहले से था तो समय स्क्वायर अब करना क्या है ये लंबाई है ये समय का क्या है स्क्वायर तो बीमा कितनी आ गई एम जीरो आ गया एल वन आ गया टी माइनस टू आ गया फिर नीचे उसको ऊपर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा ठीक है ये सिंपल बीमा थी। अब अपन और बात करते हैं आगे देखो पूरा अच्छे समझेंगे बदलने की जरूरत नहीं है देखो देखो अब मैं लेता हूँ यहाँ किसकी एक तो लेता हूँ बल की बीमा और एक मैं लेता हूँ यहाँ किसकी कार्य की वर्क की ये फोर्स है ये अपने पास रख देने बल इक्वल अपन लिखते हैं द्रव्यमान इनटू त्वरण मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन क्या फोर्स इक्वल। अब ये फोर्स अपने पास विद्युत राशि है चलो अच्छी बात है इसको अपन देखते हैं द्रव्यमान को किसमें करूँ क्या मूल है मतलब कहने का यहाँ जो है उसको किसमें कन्वर्ट करना है इस मूल में करना है तो क्या खुद ये मूल है द्रव्यमान को कैसा कैसा रख लिया इनटू त्वरण क्या लिख सकता हूँ मैं वेग बटा समय लिख सकता हूँ अभी आएगी शॉर्टकट आएगा विड्रो मत है इसको वेग बटा समय लिख सकता हूँ आगे देखो उसको क्या लिख सकता हूँ ये ऐसा कैसा रह गया द्रव्यमान तो ऐसा कैसा रह गया वेग को क्या लिखूंगा विस्थापन बटे समय एक समय पहले से समय का स्क्वायर हुआ नहीं हुआ अब ये क्या है ये अपने पास एम वन ये विस्थापन एल वन नीचे टी ऊपर आएगा नीचे कितना आएगा टी स्क्वायर ऊपर लिया होगा क्या बन जाएगा ये टी के पावर कितना आ जाएगा माइनस का टू आ जाएगा मतलब ये किसकी बीमारी है ये बल के क्या है बल के बीमा एम वन एल वन टी माइनस टू ये किसकी आई ये बल की बीमारी आराम से इसको देखो कोई दिक्कत नहीं है ये किसकी बीमारी बल की आई। अच्छा कार्य की निकालो फटाफट एक बार मतलब कार्य की बीमा निकालनी है अपने को निकालो कार्य की तो कार्य की निकालूंगा तो क्या करूँगा कार्य बराबर क्या होता कार्य बराबर वर्क इक्वल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे भाई बल इनटू विस्थापन क्या आएगा बल इनटू विस्थापन डिस्प्लेसमेंट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा कार्य। अब यहाँ क्या होता है यहीं से स्टार्ट होगा अपना जो मेथड है 10 सेकंड बड़ा यहीं से स्टार्ट होता है आपके सामने क्या है बल है। अच्छा बल के नंबर कितने आए वन वन और माइनस टू जो बल के आपके सामने जो नंबर आए वो कितने हैं वन वन माइनस टू ये जो बल है इस बल के जो ये नंबर है ये आपको याद रखनी है बस वन वन टू। अब कैसे आएंगे एम एल टी एम वन एल वन टी माइनस टू ये नंबर अगर आपको याद हो गए तो फिर कोई टेंशन नहीं। वर्क की बात करते हैं कार्य की
कार्य बराबर क्या है बल, अब बल के नंबर आपको याद, बल की विभव कितनी ही रहे, तो एम वन एल वन टी माइनस टू इंटू में कितना आएगा एल वन, तो ये क्या है विस्थापन क्या है लंबाई है एल वन। अच्छा एल वन यहाँ कितना लड़ा चाहिए एल टू, ये शायद अब देखो ध्यान से यही है वो मेथड जो आपको सिखाना चाह रहा हूँ। बल कहीं भी चर्चा करे तो वन वन माइनस टू, और कहीं भी कार्य चर्चा करे तो क्या लिखोगे वन टू माइनस टू, मतलब वृत्त के जो नंबर हैं वो तो आपको याद रखने कितने वन टू माइनस टू, और कार्य जो नंबर है वो याद रखने आपको वन वन माइनस टू, ये दोनों नंबर आपको याद रखने हैं। इलेवंथ की जो लघु विमा है वो आपकी सोल हो जाएगी। अब चर्चा करते हैं फटाफट, देखो अब आपको समझ आएगा। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके बल के नंबर रात को 2 बजे पूछा जाएंगे, बोलो बल के नंबर कितने हैं विमा निकालने के लिए, तो वन वन माइनस टू। अच्छा कार्य कितने हैं तो वन टू माइनस टू, ये नंबर अगर आपको याद है तो देखो ये रही विमा आपकी फटाफट, ये रही विमा फटाफट। आपसे मैं 2-4 विमा निकलवाता हूँ, उससे पहले छोटी सी बात आपको मैं बता देता हूँ। जो कार्य होता है, कार्य क्या होता है, एक ऊर्जा है एक ऊष्मा है, तीन चीज ले रहा हूँ मैं, तीन चीज ले रहा हूँ, कार्य ऊर्जा और ऊष्मा। अच्छा कार्य की परिभाषा पर पढ़ेंगे, सिंपल फॉर्मूला हमने कार्य देखा, कोई दिक्कत नहीं है। ऊर्जा जो होती है वो कार्य करने की क्या है क्षमता, ऊर्जा क्या है कार्य करने की क्षमता, मतलब ऊर्जा की जो डायमेंशन होगी विमा होगी किसके बराबर होगी, जो कार्य की विमा है वो किसकी होगी ऊर्जा की होगी। मैं आपको इसी पर सिखाना चाह रहा हूँ। ऊष्मा क्या होता है ऊर्जा का रूप होता है, ऊष्मा क्या होता है ऊर्जा का रूप होता है, तो आपको सिंपली ध्यान रखना है चाहे ऊष्मा की बात करें चाहे ऊर्जा की बात करें और चाहे कार्य की बात, तीनों की जो डायमेंशन आएगी विमा जो आएगी वो क्या आएगी समान आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। कार्य ऊष्मा और ऊर्जा इन तीनों की विमा क्या है समान। कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ फटाफट, कितनी जल्दी छोड़ होने वाले हैं। शक्ति बार बार पूछा गया है एयरफोर्स के एग्जाम में, शक्ति की विमा बताओ, तो शक्ति बराबर क्या होता है भाई, शक्ति बराबर होता है कार्य अपॉन समय, क्या होता है डब्लू अपॉन टी, किसकी बात कर रहा हूँ मैं शक्ति की, शक्ति की जो विमा होती है मतलब पावर इक्वल वर्क अपॉन टाइम। अब इसकी विमा लिख रही है तो मुझे बताओ इस कार्य नंबर कितने, अभी भी आपको बताया मैंने वन टू माइनस टू, किसके नंबर है कार्य के, नीचे क्या समय, समय की पावर कितनी आएगी वन आएगी, सोल्व कर दो इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाए तो टी की पावर कितनी होगा, देखो ध्यान से एम वन एल टू टी माइनस टू तो था ही था, टी माइनस टू तो था ही था, अब ये टी क्या ऊपर आएगा तो कितना माइनस वन आएगा, तो माइनस कितना जाएगा थ्री। बार बार एयरफोर्स एग्जाम पूछेंगे कितना समय लगा इसको निकालने के लिए, कितना समय लगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विमा बार बार पूछेगी। अच्छा मैं पूछता हूँ आपको गुप्त ऊष्मा, मैंने क्या पूछी गुप्त ऊष्मा की, बार बार एयरफोर्स के नाम पूछेगी गुप्त ऊष्मा, काफी विमा कराऊंगा समझ आएगी गुप्त ऊष्मा। अगर आपसे मैं गुप्त ऊष्मा की विमा पूछता हूँ तो गुप्त ऊष्मा होती क्या है, गुप्त ऊष्मा दिखा जाता है क्यू बराबर होता है एम एल, ये एल क्या है, ये एल गुप्त ऊष्मा है, इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा एल इक्वल क्यू बाई एम, ये है किसका फॉर्मूला इस गुप्त ऊष्मा का। एयरफोर्स के नाम पूछे क्यू बराबर होता है एम एल, एल क्या गुप्त ऊष्मा, क्यू यहाँ क्या है ऊष्मा है और एम यहाँ द्रव्यमान है, तो एल बराबर आ गया क्यू बाई एम, तो इसको शॉर्ट इसका इसकी विमा लिखते हैं, बिल्कुल टाइम लगने वाला है इसकी विमा, तो कितने फटाफट लिखते हैं अपन इसकी विमा, देखो इसकी विमा लिखेंगे ऊपर ऊष्मा है, अब मैंने अभी भी बोला था ऊष्मा हो चाहे ऊर्जा हो चाहे क्या हो कार्य, इन तीनों विमा क्या होती है समान, तो इस ऊष्मा की जो विमा देखो यहाँ इसको लिखा गया एल बराबर क्यू बाई, मैं ऐसे लिख देता हूँ गुप्त ऊष्मा इक्वल कितना आएगा ऊष्मा बट्टे क्या लिखेंगे द्रव्यमान, उसमें विमा कितनी आएगी एम जीरो थ्री एम वन एल टू टी माइनस टू, कितना आ रहा है टी माइनस टू आया, नीचे कितना आएगा द्रव्यमान कितना हो गया एम वन, एम वन से वन कट गया डायरेक्ट इसकी विमा लिखी जाएगी एम जीरो एल टू और टी माइनस टू, ये नीचे और दिख रहा हो जाएगा, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, तो किसकी विमा आ गई आपकी गुप्त ऊष्मा की आ गई विमा आ गई, ऐसे अपन शॉर्टकट में इसको लिख सकते हैं। और देखते हैं देखो और आपसे और दिखाता हूँ फटाफट, कितनी फटाफट सोल्व होती है, शक्ति की डायमेंशन बार बार एग्जाम पूछी गई है इसलिए मैंने यहाँ इसको लिखा है शक्ति की जो डायमेंशन, अब इसकी आवश्यकता नहीं है समझने के लिए था, वो ये क्या था समझने के लिए था। अब देखो फटाफट, अच्छा मैं पूछता हूँ आवेग की, बार बार पूछी गई है, बार बार पूछी गई है आवेग, इम्पल्स जो होता है आवेग इक्वल क्या होता है एफ बराबर सॉरी आई बराबर एफ इंटू टी, मतलब बल इंटू समय, समय समय अंतराल लेते हैं समय ले लेता हूँ, बल इंटू समय मतलब फोर्स इंटू टाइम। अच्छा आई बराबर क्या है एफ इंटू टी है, इसकी विमा होता है फटाफट, अब इसकी विमा निकालने में मात्र कितना समय लगे, बल की विमा होती है एम वन एल वन टी माइनस टू, कहाँ से आया कि इसके नंबर मुझे याद है वन वन माइनस टू होते हैं। अच्छा इसकी जब कार्य होता तो क्या लिखता मैं, लिखता हूँ वन टू माइनस टू कार्य होता, तो
तो यहाँ मेरे पास ये नंबर आ गई, इनटू में कितना है समय, समय पर कितना आ गई, टी की पावर कितनी आ गई, वन आ गई, टी की पावर कितना वन, क्यों समय इनटू में, अब टी की पावर वन यहाँ करेंगे तो कितना आएगा, देखो आधार समान घाती घुटती है, ये माइनस का टू है प्लस का वन है तो कितना जाएगा, ये वन हो जाएगा, ये किसकी डायमेंशन आई, इम्पल्स की आई, आवेग की आई, तो आप आराम से इसको देख सकते हो। उसके आगे अपन और देखते हैं, और करते हैं बातें, देखो और बातें करते हैं, स्पीड तेज हो सकती है लेकिन आप लेक्चर को शुरू में स्केप करके मत देखना, शुरू वाली बात समझ आएगी तो आप भी ऐसे सोल्व करोगे फटाफट। अच्छा मैं आपसे पूछूं, जैसे मान लो बल आघूर्ण की बताओ, इसकी बताओ बल आघूर्ण की बताओ, अब बल आघूर्ण की बात करता हूँ तो बल आघूर्ण होता है टॉर्क, सब लोग जानते हैं टॉर्क इक्वल क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब आर, इसको अपन ऐसे लिखते ना वेक्टर रूप में, क्या लिखते हैं वेक्टर रूप में, चलो बल इंटू एक बार मैंने लिख दिया विस्थापन, इसको वेक्टर रूप में क्या लिखेंगे, टॉर्क इक्वल क्या होता है, टॉर्क इक्वल क्या होता है, आर क्रॉस एफ, ये होता है मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स की बात कर रहे हैं। इसकी विमा पूछे तो बल की विमा क्या होगी, तो बल की विमा भी देखिए हमने m1 l1 t-2 और इसकी क्या होगी l की पावर 1 मल्टीप्लाई में, तो यहाँ कितना बन जाएगा बोलो, m1 रहेगा ऐसा कैसा, l1 l1 कितना हो गया, l आ जाएगा 2 और t-2 आ जाएगा, अरे देखी भी लग रही है अभी भी देखा था 1 2 -2, इसका मतलब कि बल आघूर्ण की और पाई विमा क्या होगी, समान होगी, बिल्कुल समान होगी, दिक्कत आ रही है तो आप देख सकते हो। और देखो समान हो गया, समझ आ रहा नहीं कमेंट में बताना भाई, अभी तो फोर्स सीखते हैं, एयर फोर्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओनली 10 सेकेंड, शुरू से पूरा देखना। अभी देखो जैसे बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बात करते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है, आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं है, एफ इक्वल होता है, क्या होता है एफ इक्वल क्या होता है, बोलो बोलो, कैपिटल जी m1 m2 बढ़ते आर स्क्वायर, माइनस क्या होता है, वो अट्रैक्शन के लिए होता है, जानते हो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, सिखाएंगे बहुत अच्छे सिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने पास फॉर्मूला होता है, अपन जी की विमा निकालनी है, इसको लिखा जाएगा कैपिटल जी इक्वल एफ इंटू आर स्क्वायर, मगर कितने फटाफट सोल्व करनी है, अभी दोनों मान से द्रव्यमान ही है तो एम स्क्वायर कर दो, क्या दिक्कत है, अरे ये भी द्रव्यमान, ये भी द्रव्यमान, मात्र क्या आएगा के जी आएगा तो के जी स्क्वायर, या मात्र विमा क्या लेंगे एम एम की पावर टू, अब इसकी विमा मुझे लिखनी है तो ये क्या बल, बल के नंबर बोलो m1 l1 t-2, अच्छा इनटू में ये दूरी एक प्रकार की दूरी, तो दूरी लंबाई तो क्या लिखेंगे इसको अपन एल की पावर टू, नीचे क्या है m m2, बस सोल्व करना है, इसको ऊपर लाएंगे माइनस का आएगा ये प्लस का है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ सीधा m हो जाएगा -1, l कितना l1 और 2 मतलब 3, l आ गया 3 t-2, अब बताओ कितना फटाफट बन इसकी विमा लिख रही है, ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा है, तो कितना टाइम लगा और सिखाते हैं, देखो बता दूँ आप इसके स्क्रीन शॉट ले लो या साथ साथ कॉपी पेन रखो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा फटाफट जैसे पूछूं आपसे, मैं आपको वही विमा करवा रहा हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछी जा रही है, इसके अलावा मैं चर्चा ही नहीं कर रहा। अच्छा इसकी बताओ प्रश्न ना होगी, बताओ प्रश्न ना होगी, आप लोग करने की कोशिश करना, मैं सिंपली इसका फॉर्म एकदम, बल अपॉन क्या होता है लंबाई, सिंपली बोलना बल अपॉन लंबाई, देखना प्रश्न होगी विमा क्या होती है, ठीक है ना, प्रश्न की उम्र क्या होती है आप इसको चेक करना, ठीक है। अच्छा और बात करते हैं, देखो ये सिंपल सा था, और करते हैं, अच्छा प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लांक नियतांक क्या होता है, प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक होता है ई बराबर हो गया एच म्यू, ये म्यू है आवर्ती, एच यहां प्लांक नियतांक है, और ये जो ई है ये आप यहाँ क्या है एनर्जी ऊर्जा है। अरे छोटी सी बात करता हूँ मैं, आवर्ती की तो आवर्ती बराबर लिखा जाता है 1/ आवर्तकाल, आवर्तकाल यहाँ समय है, 1/ आवर्तकाल क्या आवर्ती बराबर, ठीक है। तो आवर्ती की विमा अगर पूछूँ आपसे तो क्या लिखोगे, एम है क्या इसमें, कहीं भी एम है नहीं, आवर्तकाल समय है, समय क्या मूल में है, तो एम है नहीं, एल है नहीं है, टी कितना है -1 क्यों आया, क्योंकि ये नीचे है ऊपर जाके इसको 1/T लिखा गया है, 1/T ऊपर ले जाओगे तो माइनस का बन जाएगा, कहने का आवर्ती की जो विमा है डायमेंशन वो आपके सामने कितनी t^-1 है, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। सिंपल सिंपल आवर्ती की डायमेंशन विमा होती है। अब यहाँ मुझे निकालनी है एच की, तो एच बराबर लिखा जाएगा e/μ, अब ई मेरे पास एनर्जी है ऊर्जा है, ऊर्जा कार्य उष्मा सबकी विमा क्या दिन विमा क्या समान होती है, कितने नंबर होते हैं कार्य के 1 2-2, ये नंबर होते हैं किसके,
कार्य है या ऊर्जा है। नीचे म्यू, म्यू का मतलब कितना, टी के पावर माइनस वन। ये टी के पावर माइनस वन को ऊपर लेके जाएंगे तो किसमें हो जाएगा, प्लस में। इसकी तो विमा लिखी जाएगी, कितनी लिखी जाएगी, एम तो वन रहेगा, एल टू टी माइनस टू है, नीचे वाला क्या होगा माइनस, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना जाएगा माइनस का कितना जाएगा वन आ जाएगा। किसकी आ गई, प्लांक के नियतांक की विमा आ गई। ये आपको यहाँ देखने है किसकी है भाई, ये प्लांक के नियतांक की है, ठीक है, ये आपको देखनी है। ऐसे आप विमा देख सकते हो, ठीक है। और देखते देखो और देखते, एक क्वेश्चन पक्का कर लो अपना, एक क्वेश्चन अपना क्या कर लो, पक्का कर लो। और देखते देखो, आप लोग करना जो नहीं होती तो मुझे कमेंट करना, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो बात करते हैं, जैसे एक इम्पोर्टेंट है, एक होता है एफ प्रोपोर्शनल वन बाई अंडर द रूट में एल सी होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं ले रहा हूँ एक बार बीच में, देखो एफ प्रोपोर्शनल वन बाई रूट पे एल सी। सिंपल एग्जाम में क्या होता है, ऐसे आता है कि रूट एल सी की विमा बताओ, एल सी की विमा बताओ। ये ऐसे पूछ सकता है आपसे, वन बाई रूट पे एल सी की विमा बताओ, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है, एल सी की विमा बताओ, दिख रहा नीचे वाला दिख रहा है, चलो अच्छी भाई भी दिख रहा है। ये संबंध होता है, ये यहाँ आवर्ती है, एफ क्या है यहाँ पर आवर्ती में फ्रीक्वेंसी, उस बच्चे कंफ्यूज होंगे, फ्रीक्वेंसी जो होती है आवर्ती फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वन बाय रूट में क्या है, एल सी एल प्रेरित्व, सी संधारित्व, सॉरी धारिता, कैपेसिटेंस, ठीक है। ये क्या आपका इंडक्टेंस है। ऐसे क्वेश्चन आता है, ये पूछ ले, ये पूछ ले, या ये पूछ ले, तो सिंपल आपको समझना है कि वन बाय रूट में एल सी की बात कर रहा है ना, इसकी बात कर रहा हूँ, किसके बराबर है ये एफ के बराबर है। एफ यहाँ आवर्ती है, आवर्ती विमा है, वी भी आपने लिखी, कितनी लिखी है, एम जीरो एल जीरो और टी माइनस वन। ये किसकी डायमेंशन है, किसकी विमा है, ये विमा दे रखी है आपको यहाँ पे वन बाई रूट में एल सी दे रखी है, किसके बराबर है, एफ के बराबर है। समझ, एफ बराबर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, एफ के बराबर, इसकी डायमेंशन आ गई। अच्छा, इसकी पूछे तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं रूट में एल सी इक्वल वन बाई एफ, मतलब दोनों उल्टे एक दूसरे की। अगर इसकी विमा पूछता है, इसका उल्टा ही तो हो गया, तो इसका उल्टा कर दो, तो यहाँ जो विमा आ जाएगी कितनी आ जाएगी, एम जीरो आ जाएगा, एल जीरो आ जाएगा, टी कितना जाएगा, वन आ जाएगा। ये आपको यहाँ समझना है कि रूट एल सी में पूछेगा तो कितना जाएगा, वन आ जाएगा। अच्छा, केवल एल सी पूछता है, तो केवल एल सी पूछे दोनों पक्ष का स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर रूट हट गया, इसके स्क्वायर लगा दो, क्या दिक्कत होगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो रूट में एल सी या एल सी, इसका स्क्वायर कर दो, तो यहाँ जो डायमेंशन आएगी वो आ जाएगी एम जीरो एल जीरो टी की पावर आ जाएगी, वो आ जाएगी। ऐसे आपको क्या करनी है, डायमेंशन चेक करनी है, ठीक है। अपन आगे बात करते हैं, देखो आगे बात करते हैं, देखो और देखो एक बताता हूँ आपको, मैं एक और बताता हूँ, एग्जाम की दृष्टि से ऐसी ऐसी बीमाएँ आती है, और जो मैंने आपको बीमा शॉर्ट करनी बताई है शॉर्टकट में, वो आप अच्छे से देख सकते हो। और देखो, जैसे मान लो मैं बात करता हूँ, सी इक्वल होता है वन बाई अंडर द रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, बार बार पूछी गई है। म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है ना। ये क्या है, परमिटिविटी, म्यू नॉट मतलब ये क्या है, ये निर्वात की किसकी है, ये चुंबकीयशीलता है, और ये निर्वात क्या है, विद्युतशीलता है। ये निर्वात की चुंबकीयशीलता है, ये निर्वात की विद्युतशीलता है, ठीक है। मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये परमिएबिलिटी, डिफरेंस दोनों के अंदर, ठीक है। ये सी बराबर होता है। अब अक्सर क्या होता है, क्वेश्चन ऐसे दिया जाता है कि अंडर द रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की विमा बताओ, कि विमा बताओ, ठीक है। या ऐसे दे देगा कि वन बाई अंडर द रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की विमा बताओ, डायमेंशन विमा बताओ। अगर ऐसे पूछता है तो कैसे सोल्व करोगे, अगर यहाँ देखो अपन लोग जानते हैं एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है के क्यू वन क्यू टू बटे होता है आर स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है एफ इक्वल वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बटे लिखा जा सकता है आर स्क्वायर। ये देखो एप्सिलॉन नॉट का, इस एप्सिलॉन नॉट की विमा पूछी जाए तो अपन लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट इक्वल कितना आ जाएगा, क्यू वन क्यू टू बटे एफ इधर आ जाएगा, इनटू कितना आ जाएगा आर स्क्वायर, फोर बाई कॉन्स्टेंट छोड़ दिया, ये एप्सिलॉन नॉट की विमा आ गई। इसको सोल्व करोगे, इसकी विमा यहाँ लिखोगे तो बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं आपस में क्या होता है बराबर। सी यहाँ क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, प्रकाश की चाल, क्या भाई प्रकाश की क्या है चाल, और चाल की विमा हमने सीखी थी, प्रकाश की चाल किसी की चाल हो, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। तो चाल की विमा क्या थी, अगर आपको याद हो तो मुझे याद है एम जीरो थी, एल वन था, टी माइनस वन था, इसकी विमा थी चाल की। तो जो यहाँ सी की विमा क्या होगी, ये भी सी की विमा, इसकी विमा किसके बराबर, इसके बराबर, ये आपस में बराबर है, तो इसकी विमा पूछे तो इसके बराबर है, तो इसकी जो विमा होगी वो हो जाएगी एम जीरो एल वन टी माइनस वन, कितना जाएगा टी माइनस वन, ठीक है। अच्छा, इसकी पूछे तो
न्यूरोट्रांसमीटर भी पूछे तो इसकी आप कैसे सोल्व करोगे, इसके आप सोल्व करोगे कि आप यहाँ दोनों पक्ष का स्क्वायर कर दो, इतना आ गया सीक स्क्वायर, इतना जगह वन बाई न्यू नॉट ऑप्शन सीक स्क्वायर कर दो तो इसका होल स्क्वायर कर दो तो इसकी भी आ जाएगी, सॉरी अंडर रूट लगाओ क्या यहाँ पे, ठीक ठीक नहीं नहीं अच्छा रूट लगाओ कोई दिक्कत नहीं, उल्टे कर दो भाई रूट तो पूछिए ना, तो इसका उल्टा कर दो, ये वन अपॉन में ना उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो एन तो जीरो रह जाएगा, एल हो जाएगा माइनस वन और टी क्या हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा, टी क्या हो जाएगा प्लस वन ये आ जाएगा, मतलब इसके उल्टा कर दिया इसको, इसकी बात दे दो, अगर मान लो कि ऐसे पूछता तो इसकी पूछता तो ये रही, ऐसे पूछता तो देखो ये रहा, मतलब इसको उधर लिया उसको उधर लिया, अब अभी ये किसकी है, ये किस रूट की है, अगर इसकी लिखनी होती तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे म्यू नॉट ऑप्शन को वन अपॉन सी स्क्वायर, मतलब स्क्वायर कर देंगे उसका उल्टा कर देंगे, तो वो उसकी ऐसी इंपॉर्टेंट थी, तो ये आपको यहाँ समझनी है, कुछ बातें हमने ऐसे की, और देखो और बात करती है, ऐसे डायमेंशन हो आप लोगों को करनी है एग्जाम में, कहीं भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, फटाफट से सोल्व करता हूँ ताकि आप लोग प्रैक्टिस करना, कोई दिक्कत आए तो मुझसे पूछना, चलो आगे बात करते हैं, मैं बात करता हूँ आवेश की, अच्छा एक दो बीमा होता हूँ आपको मैं, एक होता है स्टीफन नियम, स्टीफन नियम, एक होता है विन नियतांक, एक होता है स्टीफन नियतांक और एक कौन सा होता है आपका विन नियतांक होता है, दो नियतांक होते हैं, दोनों ही क्या है इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझो, देखो स्टीफन नियतांक होता है इसको लिखा जाता है ई प्रपोर्शन टी की पावर फोर, ई क्या है, ई यहाँ है ऊर्जा अपॉन क्षेत्रफल इंटू समय, मतलब क्या बोलेंगे एकांक क्षेत्रफल में एकांक समय में जो ऊर्जा निकलती है उसे वो क्या है यहाँ पे ई है, ठीक है ना, वो यहाँ पे क्या है ई है, ई यहाँ क्या है आवर काल टाइम पीरियड, ठीक है, ई क्या डायरेक्ट अपॉन टी पावर फोर के है, तो यहाँ से ई हटाएंगे तो इक्वल यहाँ जैसे कोई भी कॉन्स्टेंट हमने ले लिया, मान लो बी ले लिया, समझ जाएंगे बता दो कोई भी कॉन्स्टेंट आ गया बी आ गया, वो बी क्या आपका स्टीफन नियतांक और टी की पावर कितना फोर, तो यहाँ बी पर कितना आ जाएगा ई पर कितना आ जाएगा टी की पावर फोर आ जाएगा, अब ई क्या अपने सामने देखो ये रहा, तो इसकी इस ई की डायमेंशन चाहिए अपने को, तो इसकी लिख लो, इसकी डायमेंशन कैसे लिखो, यहाँ ऊर्जा ऊर्जा की होती है एम वन एल टू टी माइनस टू, ये दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, नीचे क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है लंबाई को चौड़ाई एल का स्क्वायर, आप लोगों को करनी है इंटू ये समय है, समय कितना जाएगा टी पावर वन, मतलब इसको सोल्व कर लो यहाँ ऊपर रख दो नीचे, ये टी क्या है देखो एक चीज ध्यान रखना है, ये टी क्या है सॉरी आवर्तल नहीं, सॉरी गड़बड़ कर दिया था भाई, ये आवर्तल हो गई ये टेम्परेचर है, ये क्या है टेम्परेचर, जब गलत बोल दिया था मैंने, ई प्रपोर्शन इसके टी के पावर फोर, टी यहाँ आवर्तल नहीं है टेम्परेचर है, ठीक है कंट्रोल टेम्परेचर, ठीक है ना, क्या है आपका ताप है, तो ताप को क्या लिखोगे इसको यहाँ से सोल्व कर लेना, और ताप को क्या लिखो किससे के से, तो इसके के की पावर कितनी माइनस का फोर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, इसको यहाँ से सोल्व कर लेना, इसकी बीमा आपके सामने जाएगी, अच्छा वी नियतांक पूछते हैं तो इसको लिखा जाता है लेमडा प्रपोर्शन वन बाई टी, लेमडा यहाँ क्या है तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ, लेमडा यहाँ क्या है आपकी क्या है तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ, टी यहाँ क्या है वो टेम्परेचर आवर्तल नहीं वो टेम्परेचर ताप है, इसको इसकी बीमा लिखेंगे तो कैसे लेमडा इक्वल यहाँ भी जैसे मतलब यहाँ बी मान लिया था, चलो यहाँ भी बी मान लिया तो बी अपॉन कितना आ गया टी आ गया, अगर बी की बीमा चाहिए बी क्या है यहाँ पे वी नहीं ए मान लो, चलो इसको अलग कर देता हूँ ए आ गया, मान लो ए की बीमा चाहिए ए क्या है वी नहीं था, तो ए बराबर क्या लिखा जाएगा लेमडा इंटू टी, अब लेमडा यहाँ आपके सामने क्या है तरंग दैर्ध्य है, मतलब क्या है वेवलेंथ है, ये प्रकार की दूरी है, ये क्या है प्रकार की दूरी है, टी आपका यहाँ क्या है ताप है, अब दूरी ताप दोनों मूल के अंदर है तो बीमा कितनी आ जाएगी डायरेक्ट, ये बीमा एम है क्या नहीं जीरो, एल है बिल्कुल एक है जीरो, ठीक है क्या समय है नहीं है जीरो, ये टी क्या है टेम्परेचर, तो कितना आएगा के की पावर वन, जिसकी बीमा की डायमेंशन आएगी, तो ये आपको यहाँ समझनी थी, ठीक है और देखा है, कहीं भी दिक्कत आए कमेंट करके बताना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और सीखते हैं देखो आगे और सीखते हैं देखो देखो, और पूरी फिजिक्स अपन पढ़ेंगे कंटिन्यू, बिल्कुल हर टॉपिक पढ़ेंगे, कोई टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, पूरा मेटेरियल आपको देंगे, पूरा मसाला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बात करते हैं आवेश, आवेश की बीमा अगर अपन लिखते हैं तो क्या लिखेंगे आवेश, आवेश की बीमा लिखते सिंपल देखो क्या होता है विद्युत धारा, आई क्या करंट विद्युत धारा इक्वल अपन लिखते हैं आवेश अपॉन क्या लिखते हैं समय, क्या लिखते हैं आवेश अपॉन समय चार्ज अपॉन टाइम, यहाँ से चार्ज कितना आ गया आई इंटू कितना आ गया टी,
आई क्या आपके सामने, मूलभूत बुद्धि रसी फंडामेंटल। टी भी क्या है, मूल। दोनों में मूल तोड़ने की आवश्यकता तो है नहीं, इसकी विमा लिखेंगे कैसे लिखेंगे। एम है क्या, नहीं जीरो। क्या एल है, नहीं जीरो। क्या समय है, बिल्कुल टी वन है, देखो टी है। और बार क्या है आपके सामने, करंट है, मतलब एक थ्री कितना वन। तो शॉर्ट कट में इसको लिखते हो आप एट्टी वन वन, शॉर्ट कट में क्या लिखोगे इसको एट्टी। अब आपसे कोई भी आवेश की चार्ज जो होता है आपका, जो होता है चार्ज की डायमेंशन पूछे, विमा पूछ कितनी आएगी एट्टी ए वन टी वन। अब ये नंबर भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं ट्वेल्थ वाली विमा की। ट्वेल्थ की विमा अगर आपको सोल्व करनी है, थोड़ा सा एट्टी का यहाँ आपको याद रखना पड़ेगा ए वन टी वन। अब देखो कुछ बातें करते हैं फटाफट, ये विमा आपको याद हो गई। मैं आपसे पूछता हूँ विभव की, किसकी पूछता हूँ, उस विमा पूछता हूँ विभव। पोटेंशियल जो होता है विभव, विभव भी बताओ। एक पूछता हूँ आपसे धारिता की, किसकी पूछता हूँ धारिता की। अच्छा अविभव इक्वल क्या लिखते हैं, कार्य अपॉन आवेश। वी को लिखते हैं डब्लू बाई क्यू, क्या लिखते हैं भाई डब्लू बाई क्यू लिखते हैं। अब मुझे बात हो, क्या आप कार्य की डायमेंशन नहीं जानते, बिल्कुल जानते। नंबर लिखते हैं तो कार्य के फटाफट लिखू फटाफट, 10 सेकेंड। एम वन एल टू टी माइनस टू, अच्छा कार्य के ए वन टी वन। अच्छा सोल्व करो, एम कितना वन, एल कितना टू, टी माइनस ऊपर जाएगा माइनस का थ्री, ठीक है माइनस कितना का थ्री, और ए कितना जाएगा माइनस का वन। बताओ विभव की विमा आई या नहीं आई। अच्छा धारिता लिखनी है, धारिता बराबर क्या लिखते हैं, सी बराबर क्या होता है, आवेश अपॉन विभवांतर बोल दो, विभव बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सी बराबर क्या आएगा आपके सामने, सी बराबर आएगा क्यू बाई वी। अभी अभी आपने शिक्षी वी की बीमा, देखो वी का नंबर ये रहा, वी की बीमा ये रही, कैसे सोल्व करोगे, ये सोल्व इसको लगा लेंगे, कैसे करेंगे, सी बराबर आवेश तो वैसे हमें छोड़ दो, वी को क्या लिखेंगे, वी को क्या लिखेंगे डब्लू कौन क्यू, डब्लू ही आ जाएगा क्यू का स्क्वायर हो गया। अब बताओ क्या आप क्यू की बीमा नहीं जानते, बिल्कुल एट्टी ए का स्क्वायर टी का स्क्वायर के कार्य नंबर नहीं जानते, बिल्कुल जानते हैं। इसकी बीमा कैसे लिखोगे, ये आ जाएगा ए टू टी टू, नीचे कितना आ जाएगा एम वन एल टू टी माइनस टू। सोल्व कर लो, करना क्या है, दिख रहा है ना आराम से कोने वाला दिख रहा है, बस सोल्व तो करना है, करना क्या है सोल्व कर लो, ऊपर भेज दो बस, ये माइनस वन हो जाएगा और ये एल कितना है माइनस टू हो जाएगा, टी माइनस टू है ऊपर जाए प्लस का तो टी की पावर फोर हो जाएगी, एक टू हो जाएगा। तो बताओ बीमा आई या नहीं आई, मतलब फटाफट सोल्व करने का तरीका। अब देखो एक क्वेश्चन अपना पक्का करो, एक एक क्वेश्चन आप अगर अपन इसमें जोड़ चलेंगे तो अपने 25 की फिजिक्स आती है एयरफोर्स के अंदर, और 25 के अंदर अपने को 20 प्लस नंबर लेके आने हैं, और अपन मेहनत करेंगे, आप लोग सपोर्ट करो ताकि अपन जल्दी लाइक मिल सके, ठीक है ना। आप तो अपन क्या कर सकते हैं, जल्दी लाइक मिल सकते हैं। देखो ध्यान से आगे और बात करते हैं, मैं बात करता हूँ विद्युत क्षेत्र में, इलेक्ट्रिकल फील्ड विद्युत क्षेत्र, या मैं कह देता हूँ चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, समझो विद्युत क्षेत्र ई को लिखा जाता है एफ अपॉन क्यू, एकांक आवेश पर लगने वाला जो बल है वो क्या होता है ई। इसकी विमा लिखनी, बताओ कितना समय लगा रहे, एम वन एल वन टी माइनस टू, कहाँ से आए वन वन माइनस टू, बल के लिए मैंने बोला था जहां बल होगा वहां वन वन माइनस टू करना है, जहां कार्य होगा वहां वन टू माइनस टू करना है। मैं कह रहा हूं कहीं नहीं मिलने वाला आपको, ये कैसी बीमा हो, 10 सेकंड में सोल्व करो उस बात खत्म। कुछ होती है बीमा और अलग मेटर का देखते हैं, ये लिखते हैं नीचे कितना आवेश कितना ए वन टी वन आपके सामने है, सोल्व कर लो क्या दिक्कत आ रही है, सोल्व कर लो कितना है एम वन एल वन, ऊपर ले जाओ टी की पावर माइनस थ्री और ए की पावर माइनस वन, इसको बाहर छोड़ दो, इसको ले लो। ये आ गया आपके सामने विद्युत क्षेत्र, किसकी आ गई विद्युत क्षेत्र की, निकालते हैं चुंबकीय क्षेत्र फटाफट, कितने फटाफट होता है, F बराबर लिखा गया है क्यू वी बी, F बराबर क्या लिखा गया क्यू वी बी, ठीक है। अब F इक्वल लिखा गया क्यू वी बी, तो ध्यान से देखो किसकी निकाली विमा, इस B की, B क्या है, B क्या आपके सामने, B है मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र, तो B बराबर लिखा गया F अपॉन क्यू वी। अच्छा F के नंबर बोलो एम वन एल वन टी माइनस टू, A के नंबर है ए वन टी वन, V के नंबर बोलो, V के नंबर, V क्या है यहाँ पे वेग है, तो वेग के लिए क्या लिखोगे एल वन टी माइनस वन। सोल्व करना है, कुछ नहीं करना, करते हैं सोल्व, एम वन ठीक है भाई। अच्छा एल 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 कट गए, एल हो गया जीरो, कितना हो गया एल जीरो, ओ तो एल है ही नहीं, एल एल जीरो हो गया, टी माइनस टू
और ये माइनस और ये प्लस ये कैंसिल आउट, टी कितना जाएगा माइनस का टू, ए कितना जाएगा माइनस का वन। ये भी मां आगे किसकी विद्युत से कहीं गड़बड़ नहीं होगी काटा पीटी करने में, देख लेना गड़बड़ ना हो जाए कहीं भी, है ना। तो ये नंबर किसके आगे आपके चुंब के क्षेत्र के आगे। अब मैंने आपको कितने नंबर याद कराए, एक तो बल के वन वन माइनस टू आपके सोलिड के लिए, कार्य कितने होते हैं वन टू माइनस टू। एक मैंने आवेश के याद करवाए थे, आवेश के दो क्यू था आवेश 83। अब आपको मैं सजेशन करता हूँ पर्सनली आपका टाइम बचाने के लिए कॉम्पिटिशन के अंदर, पर्सनली से आपसे मैं ये सजेशन कर रहा हूँ कि आप ये जो विद्युत क्षेत्र का जो नंबर है वन वन और माइनस थ्री और मान लो ए की पावर माइनस वन मतलब माइनस वन, आप ये नंबर इसके नंबर कितना है वन आया जीरो आया माइनस टू आया माइनस वन आया, तो इसके नंबर आप अगर इन दो के नंबर और याद करते हो तो आपकी बीमा और नीचे जाएगी। कैसे देखो, ये नंबर अगर आप भी याद रखते हैं तो आपकी जो काम है वो और भी क्या हो जाएगा इज्जी जाएगा, ठीक है ना। धीरे 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 अपन बहुत अच्छे से हर चीज़ को लेके चलेंगे, ठीक है ना। थोड़ा यहाँ बच्चे नहीं ना, थोड़ा सा अलग सी फीलिंग थोड़ी कम है, थोड़ा वो है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, अपन करेंगे सब सेट करेंगे। देखो जैसे आपको लिखनी है विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स इलेक्ट्रिकल जो फ्लक्स होता है विद्युत फ्लक्स, फाइ ई इक्वल क्या लिखते हैं ई डॉट ए, लिखते नहीं लिखते हो, अच्छा चुंबकीय फ्लक्स इसको लिखते हैं फाइ बी से, और ये आएगा बी डॉट ए। अच्छा दोनों की बीमा अगर लिखनी हो तो आप खुद सोचो इस चीज़ को कि ऊपर चुंबकीय फ्लक्स है नीचे विद्युत फ्लक्स है, सॉरी नीचे चुंबकीय फ्लक्स है विद्युत फ्लक्स है, ये ई क्या है अभी भी बात है विद्युत क्षेत्र है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है मैग, अगर इनके नंबर याद हैं तो मल्टीप्लाई कैसे करना है क्षेत्रफल, ये क्या है क्षेत्रफल है लंबाई का स्क्वायर, किससे करना है भाई एल के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। तो आप मुझे एक बात बताओ क्या आपको दिक्कत होगी, आप फटाफट सोल्व कर सकते हो, क्या कर सकते हो फटाफट सोल्व कर सकते हो, तो इसलिए वो नंबर अगर आपको याद है तो आप इन बीमारों को क्या कर सकते हो फटाफट सोल्व कर सकते हो। और देखो कुछ चर्चा और करते हैं, जैसे मान लो प्रेरकत्व लिया, क्या लिया प्रेरकत्व, प्रेरकत्व लिया प्रेरकत्व मतलब इंडक्टेंस, इसकी अगर मैं बात करता हूँ इसको लिखते हैं अपन एल से और लिखा जाता है फाइव बराबर एल आई, एल बराबर कितना आ गया फाइव अपॉन आई आ गया। अगर इसकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बार बार पूछी गई भाई डायमेंशन प्रेरक होगी, प्रेरक को भी दो भागों में पढ़ा जाता है, कितने भागों में पढ़ा जाता है दो भागों में, एक होता है सौ प्रेरक तो है और एक होता है एन्यून है, एन्यून है प्रेरक, दोनों डिफरेंस है सब मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंस और यहाँ कौन सा है मेच्योर इंडिपेंडेंस, सब प्रेरक तो है अन्य प्रेरक तो है, सब मतलब स्वयं के कारण अन्य मतलब अन्य कारण, ये अपन पढ़ेंगे टॉपिक को आगे, स्वयं के कारण और अन्य कारण इन दोनों की जो डायमेंशन आएगी वो क्या आएगी सेम आएगी, क्या है एल से, इसको करते हैं कैपिटल एम से इसको करते हैं एल से, बस ये डिफरेंस है, बीमा सेम आएगी मात्र सेम आएगा, ये इसकी बीमा है। अब फाइ की बीमा की बात करता हूँ, अभी अभी हमने देखा अब फाइ कौन सा ये मैग्नेटिक फील्ड वाला है, इसको मैं क्या लिखूंगा बी डॉट ए मतलब इसको बी इंटू ए कर दो, बी की बीमा अभी भी हमने सीखी है, ए की बीमा भी अपने को आती है, अरे बी की बीमा अभी भी सीखी है और ए की बीमा और आई के अपन जानते कितने हैं, आई तो खुद एक ए वन है, तो बताओ फटाफट सोल्व हो या नहीं हुई, टाइम लगा गया मतलब क्या हुआ आपको फटाफट क्या करनी है सोल्व करनी है, बैटरी लो, बैटरी लो वाला प्रॉब्लम थोड़ी सी आ गई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपन और चर्चा कर लेते हैं फटाफट है, अपन देखते हैं देखो कुछ बीमा और देखते हैं। देखो एक दो बीमा और सुनाता हूँ आपको, इम्पोर्टेंट बीमा है इसलिए बता रहा हूँ, देखो एक होता है उसमें है चालक का गुणांक, ठीक है भाई एक होते हैं उसमें चालक का गुणांक, इसकी सीटें फिर दूसरी बताता हूँ, उसमें चालक का गुणांक को लिखा जाता है डी क्यू बाई डी टी, ये डी क्यू बाई डी टी क्या है क्यू यहाँ उष्मा है टी यहाँ समय है, मतलब मैं लिख सकता हूँ उष्मा प्रवाह की दर, उष्मा प्रवाह की दर डी क्यू बाई डी टी जो होता है वो प्रपोर्शन होता है इसके डी थीटा अपॉन डी एक्स,
ये थीटा है, ये एक्स है, तो ये ताप है, ये क्या है, दूरी है, ये क्यू है, मतलब ये उष्मा है, ये समय है, ठीक है। और किसकी होती है, ये प्रोपोर्शनल एरिया की होती है, किसकी होती है, एरिया की। यहाँ प्रोपोर्शनल डाएंगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा, आ जाएगा डी क्यू बाई डी टी इक्वल आ जाएगा ए ए डी थीटा बाई डी एक्स। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से मुझे निकालना है इस के की विमा, तो के बराबर क्या लिखा जाएगा, सिंपल लिखता हूँ इसको मैं, ये क्या है, क्यू है, उष्मा है, नीचे समय है, इनटू इसकी मल्टीप्लाई में ये नीचे आ जाएगा, ये क्या है छिट्टा भी इधर जाएगा, नीचे आ जाएगा, और अक्ष कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये क्यू यहाँ उष्मा है, अक्ष यहाँ दूरी है, ए यहाँ क्षेत्रफल, छिट्टा यहाँ क्या है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर ताप, ठीक है, ये क्या है, टेम्परेचर, छिट्टा टी समय। विमा लिखूंगा, ये एक प्रकार की उष्मा कार्य, कार्य विमा कितनी होती है, एम वन एल टू टी माइनस टू, ये दूरी है एल की पावर वन अपॉन समय के कितना आ गया, टी पावर वन इंटू एरिया कितना आ गया, एल का स्क्वायर इंटू टी क्या है यहाँ पे, छिट्टा क्या है, ताप, तो के की पावर वन। अब बताओ इसको सोल्व करना है, कैसे करेंगे सोल्व, इसको लिख सकता हूँ मैं एम की पावर वन, नीचे क्या एल एल स्क्वायर कट के एल कितना आ गया जीरो, टी माइनस इसको पूरा माइनस में हो जाए, एक माइनस टू है तो टी की पावर माइनस थ्री आ जाएगा, और के को एक मिनट सॉरी एक एल यहाँ भी तो है, ये कैंसिल, ये एल की पावर कितनी आ जाएगी वन, टी माइनस थ्री, और के की पावर कितनी आएगी माइनस वन, मतलब ये बीमा आ गई, बार बार पूछी गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बीमा। कैसे सोल्व करना फटाफट, बस वही आपको सीखना और कुछ नहीं करना, आगे देखते हैं, देखो बिठा रहा हूँ इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, अभी 5-7 मिनट के अंदर इसको पूरा कर देंगे। देखो एक और बात करते हैं, एक होता है प्रतिरोध, ठीक है, रेजिस्टेंस जो होता है जिसको अपन आर से करते हैं, एक होता है उष्मीय प्रतिरोध, उष्मीय प्रतिरोध जिसको भी मैं आर से कर रहा हूँ, ठीक है। प्रतिरोध जो होता है वो होता है धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा, प्रतिरोध क्या है, धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा, मतलब जो करंट है उसका जो पाथ है उसमें जो रुकावट है वही होता है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, उष्मीय प्रतिरोध। अब धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, उष्मा के प्रवाह के, उष्मा जो प्रवाह है यहाँ क्या है, धारा के प्रवाह में, यहाँ उष्मा के प्रवाह में जो बाधा वो क्या कहलाता है, उष्मीय प्रतिरोध। अच्छा यहाँ वी बराबर अपन लिखते हैं आई इंटू आर, तो आर बराबर क्या लिखते हो, वी बटे आई लिखते हो या नहीं लिखते हो, ये वी क्या है, वोल्टेज विभवांतर, आई क्या है, करंट, तो करंट हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज बता नहीं बता, करंट हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, ये होता है आपका आर। वैसे इस आर को कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा, मैं कह सकता हूँ कि करंट जो होता है वो हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर बढ़ता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। अब उष्मा जो है वो कैसे बढ़ती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर डिफरेंस, तो डी थीटा, टेम्परेचर डिफरेंस, ये आपको समझना है, क्या लेना है, टेम्परेचर डिफरेंस। अच्छा यहाँ क्या लिया गया है, करंट, तो यहाँ क्या लिया जाएगा, उष्मा प्रवाह की दर, मतलब डी क्यू बाई डी टी, ये फॉर्मूला डिफरेंस है, मतलब यहाँ क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, उच्च भी हो से निम्न भी हो बोल सकता हूँ करंट, तो यहाँ क्या है, उष्मा क्या होगी, उच्च टेम्परेचर से निम्न, तो ये टेम्परेचर डिफरेंस भी ताप है, ये क्या है, ताप, और ये क्या है, उष्मा, ठीक है, उष्मा, ये क्या है, करंट, जो काम करंट करता है वो यहाँ कौन करता है, उष्मा प्रवाह की दर डी क्यू बाई डी टी। अब विमा लिखने से आगे लिख दो, ये क्या टेम्परेचर, तो के की पावर कितना वन, नीचे क्या उष्मा, उष्मा की क्या लिखोगे, एम वन एल टू टी माइनस टू, समय ऊपर आ गया, समय कितना आ गया, टी पावर वन, इसको सोल्व कर लो यार, क्या जोर आ रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहने का मतलब आप कैसी भी डायमेंशन सोल्व करना चाहो, कैसी भी विमा आप सोल्व करना चाहो, फटाफट सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत। अच्छा यहाँ प्रतिरोधी निकालनी होती, कैसे निकालते हैं प्रतिरोधी, ये उसमें प्रतिरोधी बताइए मैंने इधर, अच्छा प्रतिरोधी निकालते कैसे निकालते, वी बराबर आई ऐसे निकाल लेते, क्या दिक्कत आ रही है, कहीं भी कोई बीमा में अगर आपको दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट करके बताओगे और वो बीमा आपको बताई जाएगी। अब थोड़ा सा अपन चेंज करते हैं, जैसे मैंने लिखा v बराबर 80 प्लस v अपॉन t प्लस c लिखा, ये समीकरण लिखा मैंने, v यहाँ वेग है, t यहाँ समय है, ठीक है, 80 समय a b c यहाँ क्या है, कॉन्स्टेंट है। अच्छा a में लिखा f बराबर ले लिया मान लो 80 प्लस बिट्टी स्क्वायर ले लिया, एफ यहाँ बल है, टी यहाँ समय, ए पर बी यहाँ कॉन्स्टेंट है, इनकी विमा लिखनी है, तो
ऐसे समीकरण अगर आपको दिए जाते हैं तो आपको हमेशा याद रखना है भौतिकी में उन्हीं राशियों को आपस में जोड़ा या मान लो यहाँ माइनस होता जोड़ा व घटाया जाता टी प्लस सी या ए टी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी उन्हीं राशियों को आपस में जोड़ा व घटाया जाता है। जैसे अपन कोई समीकरण ले लिया वाई बराबर ले लिया मान लो ए टी प्लस का बी टी माइनस का सी ऐसा लिख दिया ये एक एक है ये एक है ये एक है उन्हीं राशियों को आपस में जोड़ा व घटाया जाता है जिनकी बीमाएँ क्या होती हैं समान होती है ये चीज़ समझनी है भौतिकी में उन्हीं राशियों को आपस में जोड़ा व घटाया जाता है जिनकी बीमाएँ क्या होती समान। अब जिनकी बीमाएँ समान उनको जोड़ा जाता है तो कैसे करें सोल्व देखो फटाफट करते हैं सोल्व। अब यहाँ सिंपल समझो क्या टी व सी को आपस में जोड़ रखा है तो मैं कह सकता हूँ सी की जो बीमा है सी की जो डायमेंशन है बीमा है वो किसके बराबर आएगी वो टी के बराबर आएगी। अब टी की बीमा क्या लिखें तो टी को लिखूंगा एम जीरो एल जीरो टी के पावर वन या शैन इसकी बीमा या नहीं आएगी सी की बीमा इनको जोड़ रखा है चलो। अच्छा ये तो समीकरण यहाँ दे रखा है ए टी वो किसके बराबर आएगा बी के इधर जो है उसके बराबर होते हैं आपस में बराबर होंगे तो मैं लिख सकता हूँ वी बराबर क्योंकि इनके आपस में बराबर है बीमा इस पूरे टर्म की इस पूरे के बराबर है ठीक है इस तो ये वाला इसके बराबर है ये वाला इसके बराबर है ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि जो भी यहाँ ये मीटर होगा ये मीटर तो मीटर मीटर चूंकि मीटर ही आता तो पूरा बराबर हो गया मतलब इसको इसके बराबर किया जा सकता है। तो यहाँ से मुझे इस ए की बीमा लिख ए बराबर लिखूंगा वी बाई टी अब वी की बीमा मुझे जानता हूँ कितनी होगी एम जीरो एल वन टी माइनस वन और नीचे समय समय कितनी आएगी टी के पावर वन इसको सोल्व कर लो किसकी बीमा आ गई किस ए की बीमा आ गई बात को समझो। अच्छा मुझे इस बी की बीमा चाहिए तो बी की बीमा कैसे करूँ इसको सोल्व करते इसको लिखते हैं वी बराबर बी अपॉन टी प्लस का सी क्या आप सी की बीमा जानते हो किसके समय बराबर होगी या नहीं होगी इसको लिखा जा सकता है वी बराबर बी अपॉन टी प्लस का टी जैसे आना देखो बी अपॉन टी प्लस का सी तो टी प्लस का टी अब टी प्लस टी क्या होता है टू टी मतलब इसको क्या लिखा जा सकता है इसको लिखा बी बराबर बी अपॉन टू टी लिखा जा सकता है तो बी को क्या लिखे फिर इस बी को लिखा जाएगा बी बराबर कितना आ जाएगा वी इंटू टू टी अब टू तो कॉन्स्टेंट है वी की बीमा आप जानते हो टी की आप जानते हो सोल्व कर लो क्या दिक्कत आ रही है अरे सोल्व कर लो बी की क्या होती है बी की क्या होती है एम जीरो एल वन टी माइनस वन टू क्या है कॉन्स्टेंट सी वो बीमा नहीं होती समय की तो टी पावर वन टी के पावर वन को यही कर दो टी पावर टी कितना जाएगा जीरो जाएगा तो एल वन ही आ जाएगा सीधा सीधा यहाँ से किसकी बीमा आ गई बी की भी आ गई और सी की आएगी और ए की यहाँ सोल्व कर लो उसको पूरा आ गई तो इसी प्रकार से आपको किसको सोल्व करना है इसको सोल्व करना है इसी प्रकार है आपको क्या करना है इसको सोल्व करना है अब इसको सोल्व करो ये बल है इसको लिखा जा सकता है एफ बराबर 80 यहाँ से आप किसकी निकाल सकते हो a बराबर क्या हो सकता है f अपॉन g। अब मैंने एक बात बताओ f के नंबर आप जानते हो नीचे समय कितना समय लगा फटाफट सोल्व होती है। अच्छा इसको मैं लिख सकता हूँ f बराबर बी टी स्क्वायर तो मुझे इस b के निकाल क्या लिखूँ मैं f अपॉन टी स्क्वायर अब बताओ कितना समय लगा सोल्व करना है। अभी मैंने बताया आपको जो बच्चा बीच में है उसको बुक पीछे देख के f का नंबर कितना होता है वन वन माइनस टू एम वन एल वन माइनस टू नीचे कितना टी का स्क्वायर सोल्व कर लो कितना टाइम लगता है बिल्कुल नहीं लगा। एक समीकरण और त्रिकोणमितीय फलन की ओर बात करते हैं ऐसे फलन होंगे तो आप कर सकते हो एक लास्ट और बच गया उसके अपन बात करते हैं देखो बिल्कुल टाइम नहीं लगता है फटाफट सॉल्व करते हैं। जैसे मैं बोलूँ साइन थीटा जैसे बोलूँ कोस थीटा जैसे बोलूँ टेन थीटा इस पूरे की जो बीमा होती है वो होता है बीमा ही क्या होता है डायमेंशन लेस बीमा ही होता है बीमा का मतलब क्या हो गया एम जीरो एल जीरो टी जीरो ठीक है इस पूरे कोस थीटा की भी यही होगी इस पूरे टेन थीटा की भी क्या होगी बीमा ही लेकिन साथ साथ यहाँ जो दे रखा है एंगल ये क्या है कोण है क्या है ये कोण है कोण और क्या कहते हैं चाप बट्टे त्रिज्या तो कोण जो होता है ना कोण वो भी बीमा ही होता है ये भी क्या है बीमा ही ये भी क्या है बीमा ये भी बीमा मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ इस पूरे की बात करूँ तो भी बीमाहीन है अगर यहाँ जो दे रखा है जो भी थीटा दे रखा है वो भी क्या होगा बीमाहीन होगा। जी आप एक समीकरण लिखे वाई बराबर ए एक्स प्लस का बी एक्स या मान लो बी टी प्लस का या माइनस का सी ये हमने लिखा मान लो सॉरी इसको हमने लिखा वाई बराबर ए साइन ए एक्स प्लस का बी टी माइनस का सी ये लिखा ऐसे लिखा हमने ठीक है। अब यहाँ जो अक्ष दे रखा है ये क्या है अक्ष तो दूरी टी या समय ए बी सी यहाँ कॉन्स्टेंट है
तो ये तो इसकी विमा पूछी जाए पूरे की, तो ये क्या है विमाहीन। अच्छा मैं पूछूं इस ax की बताओ, तो ये पूरा टर्म क्या, पूरी टर्म क्या है विमाहीन है, मतलब इसकी जो विमा आएगी पूरे की m0 l0 t0, मतलब इस देखो ये क्या है यहाँ पर आप इस चीज को समझो कि ये पूरा एंगल है, तो एंगल प्लस एंगल माइनस का एंगल, मतलब पूरा ये कट पीट के लास्ट में आना क्या है एंगल ही आना, कोण ही आना है, इस पूरे के ये पूरा क्या है विमाहीन है। तो ये भी क्या है कोण तो है, और कोण और क्या चार बटे त्रिज्या तो वो भी विमाहीन होता है, तो यहाँ जो ax है वो क्या है विमाहीन है। अच्छा पूछेगा क्या फिर आपसे, अपन पढ़ना क्या चाहे, अपन ये पढ़ना चाहे आपसे पूछेगा भी a की इस b की और इस c की, छोटा ले रखा है छोटा ले लो मुझे ए बी सी की यहाँ डायमेंशन होता विमा होता तो कैसे सोल्व करोगे, तो आपको लिखना ax बराबर क्या आएगा विमाहीन आएगा। तो ax बराबर अगर मैं ऐसा लिखता हूँ ए की चीज ए अक्ष कहाँ जाएगा, अक्ष नीचे आएगा, अब अक्ष यहाँ दूरी है टी यहाँ समय है, तो दूरी तो ये दूरी को क्या ले दूंगा एल की पावर वन, ऊपर जो माइनस वन होगा नहीं होगा तो माइनस वन, मतलब इसकी बीमा कितनी ए की बीमा कितनी आएगी माइनस वन आ गया। अब इसका शॉर्टकट क्या समझो, यहाँ जो से इसकी बात करते हैं बीटी की बताओ, मतलब बीटी दे रखा आपको, अब पूछे कि बी की बीमा बताओ, इसके मल्टीप्लाई में जो उसको उल्टा कर दो मतलब टी की पावर कितना देगा माइनस वन आ जाएगा, बस ये समझना है क्या जाएगा टी की पावर माइनस वन। अच्छा एक समीकरण और लिखता हूँ, एक समीकरण और लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस का ए एक्स, वाई यहाँ आपकी दूरी है, यहाँ ओमेगा आपकी कोणीय आवृत्ति है, क्या भाई कोणीय आवृत्ति एक्स सॉरी के यहाँ क्या है संतरण नियतांक, क्या भाई संतरण नियतांक, टी यहाँ क्या है समय और अक्ष यहाँ क्या है दूरी है। आपसे पूछे कि ओमेगा की विमा होता हो, ओमेगा की विमा कैसे करोगे, ये पूरा क्या विमा ही है इसके मल्टीप्लाई समय है तो सीधा सीधा कितना जाएगा टी के पावर कितना जाएगा माइनस, उल्टा कर दो बस। अच्छा के ही पूछे तो क्या आएगा जी अक्ष क्या दूरी है एल की पावर माइनस वन डायरेक्ट, उल्टा कर दो। ये आपका विमा का टॉपिक था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको जितना शॉर्टकट हो सका उतना शॉर्टकट हमने इसको किया है, और ऐसे ही हम हर टॉपिक को एक मजबूती के साथ आपके सामने पेश करने वाले हैं। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ज़्यादा इसको शेयर करो सब्सक्राइब करो ताकि जल्दी अपने 1000 सब्सक्राइब होते ही अपन लाइव आने लग जाएंगे, पूरी फिजिक्स को आपके सामने लेके आएंगे और बड़े ही फीलिंग के साथ, कहीं भी रटने की आवश्यकता नहीं है, हर चीज़ को समझने की आवश्यकता है, रटना भूल जाओ, फिजिक्स क्या है कहाँ से लिया गया है फिशिस से, जो क्या होता है नेचुरल मतलब जो नेचर में आपको दिख रहा है वो सारा फिजिक्स है, तो रटना नहीं है केवल समझना है। आपको लगता है फिजिक्स बड़ा डिफिकल्ट है, मैं कह रहा हूँ सबसे दुनिया का सबसे जी सब्जेक्ट है वो फिजिक्स है, समझ गए। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, अपन आगे जानेंगे अदिश अदिश के बारे में जानेंगे, आज के लिए इतना ही और मिलते हैं, ओके थैंक यू, जय हिंद जय भारत।